गया दो एमएलसी चुनाव के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र खड़े प्रत्याशी शिक्षक निर्वाचन से जीवन कुमार और स्नातक निर्वाचन से अवधेश नारायण सिंह की जीत के लिए अपील की गई। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर स्नातकों और शिक्षक मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि बिहार से भ्रष्टाचार को दूर करने के साथ शिक्षकों को समान वेतनमान लागू करने के भाजपा समर्थित प्रत्याशी को विजय बनाए, तभी बिहार में भ्रष्टाचार और जातिवाद दूर होगा। उक्त अवसर पर जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश सिंह चिंटू, पूर्व मंत्री शहनगर विधायक प्रेम कुमार, पूर्व सांसद हरि मांझी, रामजी मांझी, पूर्व विधायक श्याम देव पासवान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गया से रमेश कुमार की रिपोर्ट। इसलिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके माध्यम से बदलाव का एक बड़ा संकेत जाएगा और इसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, सभी बुद्धिजीवी और सभी बिहार के आने वाले पीढ़ी के अंदर एक बदलाव का उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए शुभारंभ इस मगध की धरती और इस पवित्र विष्णु पद के पवित्र इस माटी से शुरू हो, इसका संकेत पूरे बिहार के अंदर जाएगा। और ये हम निवेदन आग्रह करने आए हैं क्योंकि शैक्षणिक वातावरण की पवित्रता को नष्ट करने में दोनों भाई का जिस तरह से भूमिका रहा और अब जिसके अंदर व्यवस्था गई है वो माननीय मंत्री जी का शिक्षा पर ध्यान कम है और वो जंगल राज के पुरोधा भी रहे हैं, वो अराजकता के वातावरण बनाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसलिए ये बदलाव जरूरी है। महागठबंधन के लोग ये महाठगबंधन की वातावरण में सिर्फ कुर्सी के लोभ के लिए समझौता किए हैं और महाठगबंधन के लोग कभी भी एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण, नौजवानों को रोजगार का